हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानीज ड्रीम लाइफ। होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईकेआ प्रोडक्ट्स का हॉल, जो मैंने आईकेआ से बाय किए हुए थे, इवन मतलब अमेजोन से बाय किए हुए थे। आईकेआ के प्रोडक्ट्स मैंने आपको शो भी किए हैं, बट मैं आज आपको पूरा एक कलेक्शन आईकेआ का जो मेरे पास है मैं वो शो करने आई हूँ। और मैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ध्यान से प्रोवाइड कर दूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती अपडेट करना, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। और मैं इस बार ध्यान से सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो आज मैं आईकेआ का आपको अपना पहला प्रोडक्ट शो करूंगी वो है एक आईकेआ का ये इसको क्या बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं बिन है शायद, यस आप एक स्टेशनरी वाला जो होता है ना बॉक्स वगैरह बोल सकते हो। तो ये मैंने दो बाय किए हुए थे, ये मैंने आपको अपने शॉपिंग हॉल में शो भी किया हुआ है। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये मैंने दो बाय किए हुए हैं और ये एक अराउंड मुझे 99 या 120 का पड़ा था। ये दो का सेट है और दो मैंने बाय किया था, सेट दो का नहीं था सॉरी। तो मैंने दो क्वांटिटी बाय किया हुआ है इसका और इसका लिंक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में आईकेआ के शोरूम है तो आप वहां जाके भी इसको देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये स्टेशनरी पर्पस के लिए मल्टीपर्पस यूज में भी आता है, स्टोरेज यूज में भी आता है, डेकोर पर्पस से भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं एक यूज कर रही हूँ अपने कॉस्मेटिक रेसर में, मेकअप रेसर में, एक मैं अपने स्टेशनरी में यूज कर रही हूँ। सो गाइज दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द आईकेआ ब्रांड एंड दैट आई ब्रॉट फ्रॉम अमेजोन। सो गाइज माई सेकेंड प्रोडक्ट फ्रॉम द आईकेआ ब्रांड इज दिस। ये एक वाइट कलर की स्टोरेज बास्केट है और ये मुझे पड़ी थी 390 की, मतलब अमेजोन पे 390 की है। और इसी की मेरे पास दूसरी भी है, मैंने दो क्वांटिटी सेम बाय किया हुआ है और सेम प्रोडक्ट है, सेम साइज का है। बट ये मैंने कुछ टाइम पहले बाय की थी, वो सेकंड वाली थोड़े टाइम बाद आई है क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी फिनिश है। ये देखिए बहुत ही स्टडी है, लुक वाइज बहुत प्यारी है, व्हाइट फिनिश है। मैंने व्हाइट फिनिश इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो ड्रेसर यूनिट है वो व्हाइट कलर का मैंने बनवाया है, तो उसके साथ ये बिल्कुल मैच करता है और मेरे सारे कॉस्मेटिक्स में अच्छे से आ जाते हैं। सो गाइज दिस इज माई सेकेंड प्रोडक्ट और अगर आप चाहें तो इसको किचन स्टोरेज में भी यूज कर सकते हो और आप अपने मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर के लिए भी यूज कर सकते हो, अपने बाथरूम में यूज कर सकते हो, जहां भी आप चाहो उसको यूज कर सकते हो। या आपके बेनिफिट पे है, आपके यूज पे है कि आप इसको कहाँ चाहते हैं यूज करना। अगर आपको पसंद आया तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। सो गाइज माई थर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द आईकेआ ब्रांड इज दिस। This is the planter. ये Amazon पे अवेलेबल है 3 के सेट में, 2 के सेट में, 1 के सेट में। इसमें कलर भी अवेलेबल है लाइक गोल्डन कलर और शायद कॉपर कलर भी आ गया है, मुझे शायद याद नहीं है। तो मैंने ये 3 का सेट बाय किया हुआ था, 1, 2 and 3। तो ये मैंने 3 के सेट्स बाय किए हुए हैं और ये मुझे पड़े थे, देखिए इसके अंदर से स्लिप भी लगा हुआ है। ये शायद मुझे याद नहीं है, अराउंड 500 या 600 के पूरे 3 का सेट था। और ये लुक वाइज बहुत प्यारे हैं, सिल्वर कलर का है और इस पर मैं अपनी प्लांट ग्रास वगैरह रख के इसको एज अ डेकोर पर्पस यूज कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा है, सेम मैंने जैसे आपसे कहा आप डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हो। ये एज अ प्लांटर है, आप प्लांटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, इंडोर भी आउटडोर भी, जहां आपको सही लगे तो आप उसको एज अ प्लांटर भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज माय थर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द आईकेआ ब्रांड और मुझे बहुत ही पसंद है ये। और जो मैं आपको फोर्थ प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है, थोड़ा मुझे कॉस्टली मिला है क्योंकि आईकेआ के जो शोरूम है वहां पे इसका रेंज बिल्कुल ही हाफ है। इवन सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे आपको मिल रहे हैं सब थोड़े से कॉस्टली होते हैं क्योंकि जो वो आईकेआ के शोरूम से वो प्रोडक्ट आपको जो देते हैं वो थोड़ा सा उनके लिए कॉस्टली पड़ जाता है। सो बट मुझे पसंद आते हैं तो मैं ले लेती हूँ। दोस्त मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये है, एक कैटल, कैटल नहीं बोलेंगे इसको आप, जो प्लांट पानी डालने वाला होता है ना वही बोलते हैं, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये है वो और ये एकदम प्यारा सा क्रीमिश फिनिश है। ये बाय द वे मेटल और आयरन का मिक्स है थोड़ा सा और ये गोल्डन फिनिश है इसके, देखिए कितना प्यारा सा हैंडल है। आगे इस पे ऐसा है तो आप यहाँ पे पानी भर के इसको
पेड़ों में डालने के लिए यूज कर सकते हो, बट मैं इसको एज अ डेकोर पर्पज यूज कर रही हूँ और ये बहुत ही प्यारी है गाइस, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लुक वाइज है। हाँ, रेंज वाइज इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये मुझे अराउंड 1600 की पड़ी थी, और लेकिन लुक वाइज बहुत प्यारी है तो पैसे यूज कर सकते हैं, हम ले सकते हैं इसको। सो गाइज, मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आइकिया का है, अभी मैंने रिसेंटली बाय किया हुआ था, वो है एक ये चेस्ट ऑफ स्टोरेज बास्केट या ड्रॉरा बोल सकते हो। तो ये है एकदम प्लास्टिक मटेरियल, इसकी क्वालिटी ठीक है, ज्यादा अच्छी नहीं है। रेंज वाइज बहुत थोड़ा सा मुझे महंगा लगा, अराउंड मुझे ये 290 या 300 कुछ की पड़ी थी। और ये लुक वाइज एकदम वाइट है, मैंने आपको जैसे बताया मैंने वाइट ही बाय किए हुए हैं, और ये स्टोरेज वाइज भी अच्छी है, बस थोड़ा सा प्लास्टिक मुझे कम अच्छा लगा। तो ये मैंने थोड़े से जो है ये आइकिया के प्रोडक्ट्स जमा किए हैं अपने पास, क्योंकि मुझे आइकिया का होम सेंटर का जो थोड़ा बहुत इन लोग की जो क्वालिटी होती है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं रेंज वाइज, बट क्वालिटी वाइज बहुत ही प्यारे होते हैं गाइस। तो अगर आपको अपने होम डेकोरेशन के लिए या अपने ऑर्गेनाइजर के लिए कुछ भी बाय करना है जो आपको लाइफ टाइम स्टडी वे में चाहिए, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट आप इनको जाइए आइकिया के या होम सेंटर के, तो अगर आपके पास शोरूम है आपके यहाँ पे तब शोरूम पे जाके देख सकते हैं, नहीं है तो आप इनको इनके जो अमेजोन के साइट पे भी सारे अवेलेबल हैं, होम सेंटर के साइट पे आप पे भी अवेलेबल है, आप वहां जाके इनको देखिए, वहां पे आप इनको बाय कर सकते हैं। कभी कभी इनको ऑफर्स भी रहता है, आप ऑफर में देख सकते हो, कभी कभी विदाउट सेल में है, तो आप ऐसे भी जैसा आपको समझ में आप देख सकते हो। तो गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा मिनी आईकिया के प्रोडक्ट का हॉल, होप आपको ये पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ऑल्सो एंड डू कमेंट ऑल्सो। सो गाइज, एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, मैं इसी तरीके से आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आती रहूंगी और आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूंगी, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मुझे प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करिए। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।